हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग दोस्तों। बहुत दिन हो गए हैं आप सभी से मिले हुए और आपको पीलीभीत की एक नई जगह से मिलवाने हेतु आज मैं फिर से आपके पास वापस आई हूँ। मैंने एक जगह का नाम सुना था द्यूनी डैम, तो दोस्तों मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी वो जगह दिखा दी जाए, क्योंकि हमारी धरोहर से संबंधित कई चीज़ों को मैंने आपको दिखाया है अपने चैनल पर। तो मैंने सोचा कि आज एक नई जगह को ढूंढा जाए। तो मैंने इंटरनेट पर कुछ पढ़ा था डाक बंगले संबंधित, जो कि द्यूनी डैम और ये इलाका जो है मझोला और अमरिया के बीच में पड़ता है। तो ये जो डैम है इसके गेट नंबर 4 पर मैंने ग्रामीण जो थे यहाँ पर पूछते हुए मैं आई हूँ, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखा दें। क्योंकि यहाँ पर एक सुना था मैंने कि लोगों ने यहाँ बनवा रखा था पहले से, तो मैं आपको चलिए दिखाती हूँ कि ये रास्ता जाता है उस डाक बंगले की तरफ, जैसा कि मैंने सुना था। तो फिलहाल यहाँ कुछ लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये वही जगह है, क्योंकि लोगों ने ऐसा बताया कि वो इस जगह पर है। तो इसका रास्ता जो है बहुत पतला सकरा सा है और कच्चा रास्ता नहीं है, पूरा पका हुआ बना है। तो एक बार दिखा देती हूँ मैं इस रूट से, देखिए यहाँ पर आई हूँ और अब आपको दिखाती हूँ मैं कि ये चारों तरफ से कैसा है। लगभग ये 200 गज की रेंज में बना हुआ है ये, और चारों तरफ से इसके जो कमरे हैं इस तरह से बने हुए हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से बना हुआ है। आई थिंक ये उधर से एक फ्रंट है और यहाँ पर है। अगर हम पहले आपको इसके चारों ओर दिखा देते हैं, फिर इसके आसपास जो बना हुआ है एरिया वो हम आपको दिखाएंगे। चारों तरफ से व्यू इसका एक जैसा है और आसपास काफी हरियाली है। तो आप देख सकते हैं ये काफी अच्छा पिलर्स पे बना हुआ है और मुझे लगता है काफी पुराना भी होगा, और देखने में अभी भी, देखिए ये बिल्डिंग मुझे लगता है कि ऊपर कुछ मेंटेनेंस भी हुआ है, क्योंकि वो मुझे लगता है कि नई चुनाई करवाई गई है जो सबसे ऊपर का एरिया है। और अभी मैं इसके आसपास के एरिया को भी आपको दिखाऊंगी। तो चलिए एक बार इसके चारों तरफ देख लेते हैं कि क्या क्या मौजूद है। हो सकता है ये वही हो जहाँ तक मेरा अंदाजा है, और हो सकता है ये वो जगह, मतलब वो स्पॉट ना हो। और यहाँ पे बहुत पुराना सा एक ट्रैक्टर टाइप का कुछ पड़ा हुआ है और गार्टर्स पड़े हुए हैं ये, जिन्हें मतलब इसको कहते हैं शायद ट्रॉली। ये देखिए पीछे का हिस्सा, मुझे लगता है ये जो पीछे का हिस्सा होता है ये काफी गल चुका है और बहुत ही ज्यादा ओल्ड लग रहा है। मैं अनुमान नहीं लगा सकती कि ये कितना साल पुराना होगा। तो ये एक तरफ से दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को, और काफी यहाँ पर झाड़ियाँ हो गई हैं, तो ज्यादा अंदर जाना हमारे लिए खतरा है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कुछ जीव जंतु जो हमारे जंगलों में होते हैं वो स्वाभाविक रूप है कि रहने हैं उनको यहाँ, तो ये मिल सकते हैं यहाँ पे। तो बस मैं आपको इसको जूम करके दिखा देती हूँ थोड़ा सा, और फिर हम वापस उधर चलते हैं। आसपास काफी हरियाली है यहाँ पर। मुझे लगता है कि ट्रॉली के अलावा कुछ और भी पार्ट्स हैं ये आयरन के, तो ये मुझे नहीं पता कि किस चीज के होंगे। ये जो गोल गोल है हिस्सा, मुझे लगता है कि ये वो है जिसमें हम कहते हैं ना, आम भाषा में अगर हम कहें जो गारा मिट्टी बनाते हैं, जिसमें हम घोल बनाते हैं सीमेंट, ऐसे वो जब कोई लिंटर वगैरह डालते हैं तो सीमेंट जैसे, मतलब
तो ये उसमें वही बनता होगा। हाँ, हाँ, और आसपास का ये जो पार्ट है ये इस ट्रैक्टर के ही पार्ट्स लग रहे हैं। हाँ, ये ट्रैक्टर का है। ये जो ये अगला हिस्सा है ट्रैक्टर का ये वाला। ओके, तो मैं चूँ वो झाड़ियाँ है ना, एक तो साफ नहीं दिखता, ये वाला ये अगला हिस्सा है, ये देखिए। ओके, थैंक यू बताने के लिए, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों की। और ये इंजन ट्रैक्टर का जो मतलब और वो देखिए स्टीयरिंग कहाँ तक चला गया है, बीच में है स्टीयरिंग है ऊपर, और उधर है जो टायर पीछे का। ये जो हिस्सा पड़ा हुआ है ये क्या हो सकता है, ये जो खांचे बने हुए हैं वो उधर, वो इसका ट्रॉली का लगता हुआ जो बैक साइड होता है, जिसे हम लोग अपने लोग मतलब डाल कह देते हैं। अच्छा अच्छा, बैक साइड में होता है जो लगाया जाता है वही। और तो चलिए थोड़ा नीचे अब चलते हैं हम, आसपास कुछ घर भी बने हुए हैं। ये मुझे लगता है कि जो प्रॉपर्टी किसी यूज में नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ कोई ह्यूमन दिख नहीं रहा है। और आसपास और भी घर बने हैं, वहाँ पर थोड़ा सा हलचल है और कुछ लोग मुझे लगता है वहाँ पर रह रहे हैं। तो चलिए नीचे उतरते हैं इससे और आगे देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। मुझे वहाँ पर एक एरिया दिखा जिसमें बहुत टूटा फूटा सा लगता है, कुछ निवास टाइप का होगा या यहाँ पर लोग रहते होंगे। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं हम, उसको क्यों छोड़े, क्योंकि देखना अच्छा है। काफ़ी यहाँ पे जंगल है और एडवेंचर सम है, तो चलिए देखते हैं। ओ, मेरे पैरों में क्या लग गया, ये खुद नहीं पता है। मुझे इसके अंदर जाना चाहिए, अब आए हैं तो चलना ही पड़ेगा, तभी तो आप देख पाएंगे। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। ये कौवा खेती लग गई थी मेरे पैर में, और यहाँ पर बहुत डेंजरस मुझे लग रहा है, यहाँ आ जाती हूँ। एक जब मैं बाइफर्केशन की वीडियो आप लोगों के लिए बनाई थी तो इसी तरह का कुछ वहाँ पे भी था। ये जड़ें काफी अंदर तक इस बिल्डिंग को घेर चुकी हैं और आप देख सकते हैं ये बहुत ही खतरनाक रूप धारण कर चुकी हैं। ये जो खपड़ैल है ये झीनी झीनी सी हो गई हैं, मतलब इनका जो एरिया है वो पहले पास पास रहा होगा और अभी काफी ओल्ड होने के कारण देखिए किस तरह से हो गई है। तो मुझे लगता है कि इतना ही रहने देते हैं और चलते हैं आगे। थोड़ा सा मिट्टी मिट्टी में मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, तो क्या लगता है। चलिए सर आगे उधर से, प्रियंका मैम का है वो तो साइड है। हाँ, तो मैम तो अंदर ही नहीं आई डर के मारे, वो उधर जा रही हैं। तो आइए इधर वापस ही चलते हैं, नहीं इधर से निकल चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 ऊपर आप ऊपर से, क्योंकि ऐसे जड़ी बूटी का कोई पता नहीं होता। ओके ओके, इसमें कभी सांप भी हो जाते हैं ना। नहीं, बूटियों को पता नहीं, इधर से ऐसा ही इधर रास्ता है। अब मैं इधर से जाऊंगी, क्योंकि इन चीजों से खुजली भी ज्यादा वो हो जाता है ना। अच्छा, इधर इधर आइए, ये देखिए। नहीं नहीं, अब मैं नहीं जा। चलो मैं आता हूँ, मैं देख के आता हूँ। इसी साइड भी ऐसा ही है। रहने दीजिए, छूने से वो कोई वो उसका खुजली भी हो जाती है ऐसे चीजों से, कुछ है हैं ना पेड़, क्योंकि इसके ऊपर है भी ऐसा कुछ खुजली टाइप का लगने से। हाँ चलिए, मैम कहाँ है, मैम देखिए बैठी हैं।
चलें, चलिए। देखिए साइड कुछ वो झोपड़ी टाइप है। अच्छा, शायद उनसे पता कर सकते हैं हम, उधर भी कुछ है। देखिए अब हम चलेंगे ड्यूनी डैम की तरफ और जहाँ पे लोग और रहते हैं और उन्हीं से बातचीत करेंगे। हाँ। तो चलते हैं। अब मैं आगे दिखाती हूँ उसके आसपास का और व्यू। ये तो इसका बैक साइड का, यूं समझिए कि आपके मेरे लेफ्ट हैंड पे जो हिस्सा था वो दिखाया मैंने आपको। अब आपको इसके पीछे का हिस्सा दिखाती हूँ। फ्रंट का मैंने दिखाया था जहाँ से इसका एंट्रेंस था। तो इस तरह से ये चारों तरफ पेड़ है, लोगों के खेत होंगे और ये मुझे एरिया लगता है कि ये अधिकृत होगा गवर्नमेंट के अंडर में, इसलिए ये चारों तरफ से थोड़ा सा गोलाई के हिस्से में है और इस तरह से इसको गेट दिया गया है, मतलब इसको बाउंड्री नुमा एक तरह से कर दिया गया है जिससे कि लोगों को पता रहे कि ये जमीन जो है ये उनके लिए नहीं है, ऑथोराइज्ड है। तो हम देखते हैं, एक इधर मैंने कुछ देखा था तो आपको वहाँ ले चलती हूँ और वो दिखाती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इधर कुछ खास मुझे चीज लगी थी वो क्या थी। राइट हैंड पे मैंने देखा था यहाँ पे कुछ पोडियम टाइप का बना हुआ है, तो चलिए इधर आगे देखते हैं कि क्या है। ये काफी पुराने होंगे पेड़, जैसे हम कहते हैं, जिसे हम बचपन में कहते थे कि मोर पंखी, और इसको अगर किताबों में रख दें तो कहते थे कि हमारे पास विद्या आ जाएगी। तो ये बहुत बड़े पेड़ लगे हैं इसके और काफ़ी इसकी छटाई वगैरह भी मुझे लगता है करी जाती होगी, क्योंकि ये रिसेंट काटा हुआ मुझे लग रहा है। इसको छाटा जाता होगा तो कुछ ग्रामीण लोग इसको शायद छाट वाट देते होंगे। और इसमें देखिए ये बोन सी है इसमें, ये देखो इसको पास से थोड़ा दिखाना, ये देखिए ये गोंद है इसमें, ये चिपचिपासा है। और आइए इसमें आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा अच्छा सा बना हुआ है, पोडियम की तरफ जा रहे हैं, ये पोडियम की तरह ही बना हुआ है। तो लेकिन इसका थोड़ा बनावट प्लेन नहीं है, इसकी जो बनावट है वो देखिए किस तरह की है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जैसे अष्टभुज होता है ना, उस तरह का बना रखा है और बीच में एक सर्कल सा है। तो मुझे लगता है हो सकता है कि इसके यहाँ नीचे कुछ हो, ऐसा मुझे लग रहा है, या फिर इसको बनाया ही ऐसा गया हो कुछ डिफरेंट वे देने के लिए, इसको पहचानने के लिए कि मतलब कुछ इसके नीचे हो सकता हो। तो ये सब अंदाजे के आधार पर ही मैं बता रही हूँ आपको और कुछ लोगों से बातचीत करते हुए पता चलेगा। तो क्योंकि इसके नीचे मुझे फीलिंग कुछ दिख तो रहा नहीं है, शायद मट्टी ही हो या फिर कुछ इसको पहचान बनाने के लिए इस तरह से बना दिया गया हो। तो ये पोडियम था और आई थिंक यहाँ से इस एरिए का जो सुपरविजन किया जाता होगा, इसकी देखरेख की जाती होगी, उसीलिए ये ऑफिस बना हो और इसका नाम इसलिए डाक बंगला यहाँ पे रखा गया है। तो ये तो था हमारा इतना हिस्सा डाक बंगले। दोस्तों ये तो थी ड्यूनी डैम के आसपास जो डाक बंगले के बारे में मैंने सुना था उसके विषय में कुछ बातें। मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती है टूर एंड ट्रेवल्स में, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप जिस जगह से रहते हैं वहाँ की धरोहर को जरूर जानें। मैंने सुना था कि ये अंग्रेजों के जमाने का बनवाया हुआ है और वाकई ये काफी मजबूत और पुराना है। तो ये आपको हिस्सा मैंने दिखाया
अब अगली वीडियो में मैं आपको द्यूनी डैम को भी दिखाऊंगी, उसमें बहुत अच्छे से बहुत खूबसूरत है, एक जो नेचर लवर्स होते हैं उनको बहुत ही खूबसूरत लगेगा वो। तो इस समय थोड़ा बहुत उसमें पानी भी है और वहाँ चल के आपको मैं वहाँ की और अच्छी अच्छी बातें कुछ खोलूंगी। तो चलिए चलते हैं डाक बंगले से वापस अपने घर की तरफ, जिसका रास्ता इधर से होकर गुजरता है। Just love the nature and its beauty. अगर आपको भी नेचर से बहुत प्यार है तो प्लीज एक गुजारिश मैं फिर से करना चाहूंगी कि इस तरह की चीजों को बचा के रखिए, क्योंकि ये हम पर डिपेंड है और हमें। और देखिए, आपको खुद लग रहा होगा मेरा जो बैकग्राउंड है, एक आप पहाड़ का बैकग्राउंड देख लीजिए, एक ग्रीनरी का देख लीजिए, दोनों का डिफरेंस आपको साफ समझ में आ जाएगा कि सूखे और हरे भरे में कितना डिफरेंस होता है, हमें ये कितना देते हैं। तो इन बातों का ध्यान भी हमें जरूर रखना चाहिए। हम जिन जगह पर काफी घूमने जाते हैं, अगर इनको बचा के नहीं रखेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये सब चीजें हमारे लिए होंगी ही नहीं। तो प्लीज आप सभी भी मेरी तरह खूब खोजी बनिए और खोज करते रहिए। तो चलिए अब ड्यूनी डैम की ओर बढ़ते हैं।